अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र निपटारा करना सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार हर कार्य दिवस सुबह 9 से 11 बजे तक जिला व उपमंडल मुख्यालय पर समाधान शिविर आयोजित कर यथासंभव निपटारा किया जा रहा है। एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान शिविर में जन शिकायतें सुनने के उपरांत संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थी। आज समाधान शिविर में करीब 75 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी सुनवाई के उपरांत संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निपटारे के लिए सौंपा गया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों के निपटारे से संबंधित रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। अधिकारियों द्वारा हर शिकायत का उसी दिन समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह की घोषणा के अनुसार जिले में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कई प्रार्थियों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। आज समाधान शिविर में पहुंचे गांव दयालपुर निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उनकी फैमिली आईडी से बच्चे अलग हो गए थे और बच्चों की फैमिली आईडी अलग बन गई थी और वे फैमिली आईडी को एक करवाना चाहते थे। समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने उनकी समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना और मौके पर ही दोनों परिवार पहचान पत्रों को चेक किया तथा अनिल कुमार से संबंधित दस्तावेज लिए और उनका परिवार पहचान पत्र एक कर दिया तथा मौके पर ही उन्हें प्रिंट भी दिया गया और मौके पर ही उनके हस्ताक्षर करवाकर अपलोड कर दिया गया। इसके लिए अनिल कुमार ने जिला प्रशासन का दिल से धन्यवाद किया। समाधान शिविर में थानेसर आकाश नगर निवासी सुनील कुमार ने अपने मकान की प्रॉपर्टी आईडी में बदलाव करवाना था, उनका नाम भी गलत था। एडीसी ने मौके पर ही नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनील कुमार की प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करें। मौके पर ही दस्तावेज लेकर सुनील कुमार की प्रॉपर्टी में बदलाव कर दिए गए। इस मौके पर एडीसी ने उपस्थित प्रार्थियों को कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में अगर कोई व्यक्ति बदलाव करवाना चाहे तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी बदलाव करवा सकता है। इसके अलावा बिजली के बिल में नाम ठीक करने बारे, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने बारे आदि समस्याओं को भी मौके पर सुना गया तथा उनका समाधान किया गया। इस मौके पर नगराधीश डॉक्टर रमन गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जी मैम, आज समाधान शिविर के बारे में क्या बोलेंगे? आज कुरुक्षेत्र में जो समाधान शिविर लगाया गया है उसमें तकरीबन 71 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से कि 50 कंप्लेंट्स आई है क्योंकि ज़्यादातर फैमिली आई डी की कंप्लेंट्स के मौके पर ही समाधान किया गया था। इसके अलावा सभी जनता की सूचना के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपने साथ लेकर आएँ ताकि मौके पर ही आपकी समस्या का समाधान करना पाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अब एफिडेविट का सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया है, अगर किसी को अपनी आय कम करवानी है तो कोई एफिडेविट यहाँ पर दे सकते हैं जिसकी वजह से उनकी आय कम करवानी चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरी प्रॉपर्टी आईडी में नाम की करेक्शन थी। मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री समाधान केंद्र में आके मैंने अपनी त्रुटि जो थी पूरी करवा ली है और जल्दी से जल्दी मेरा काम हो गया। धन्यवाद। प्रशासन और मुख्यमंत्री, प्रशासन और मुख्यमंत्री यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में आके जो मेरी कमी थी, वो त्रुटि थी जो मेरे कागजों में, वो पूरी हो चुकी है। अनिल कुमार, गांव दयालपुर। मेरी फैमिली आईडी में बच्चे अलग हो गए थे, वो फैमिली आईडी अलग बन गई थी उनकी, जो पिछले 6 महीने से उनकी समस्या थी जो आज जाके सॉल्व हुई। तो प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ मैं इसके लिए, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद।